सब्सक्राइब करें हमारा चैनल न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, बेल बटन दबाएं और नोटिफिकेशन पाएं। क्रिटिक्स से जोरदार सराहना पाने वाली अमित मासूकर की फिल्म न्यूटन ऑस्कर की लिस्ट से बाहर हो गई है। राजकुमार राव की फिल्म न्यूटन इस साल भारत की ओर से ऑस्कर के लिए फॉरेन लैंग्वेज की फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट की गई थी। ऑस्कर के ट्विटर हैंडल से उन 9 फिल्मों की लिस्ट जारी की गई जो अकेडमी अवार्ड्स की लिस्ट में जगह बना पाने में सफल रही थी। इस लिस्ट में न्यूटन का नाम कहीं पर भी नहीं था। फिल्म की कहानी नूतन कुमार यानी राजकुमार राव की है, जिसने अपने लड़कियों वाले नाम को 10वीं के बोर्ड में न्यूटन लिखकर बदल लिया था। अब सभी लोग उसे न्यूटन के नाम से ही जानते थे। न्यूटन ने फिजिक्स में MSc की पढ़ाई की थी। आगामी इलेक्शन में उसकी ड्यूटी लगती है, जिसके लिए उसे जंगल के नक्सल प्रभावित इलाके में जाकर वोटिंग करवानी पड़ती है। इसके बाद फिल्म में कई उतार चढ़ाव आते हैं, जिसे देखने के बाद फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों ने पसंद की। पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर महज 96 लाख रुपए कमाने वाली राजकुमार राव की फिल्म न्यूटन ने 6 दिनों के अंदर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया था। इसे माउथ पब्लिसिटी का भी खूब फायदा मिलता दिखाई दिया, जिसके बाद फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया। शुरुआत में फिल्म को 350 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। फिल्म की सफलता के बाद और 450 स्क्रीन्स पर इसके शोज बढ़ाए गए। अंकुर, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, दिल्ली।